सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी ने फाइनली ऑफिशियल जो रिजल्ट थे, मेरिट लिस्ट थी, जो आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग लेटर थी, वो रिलीज कर दी है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करके। अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे आप और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें शो होंगी। फिर आपको SSR का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है एंड देन आपके सामने कुछ इस तरीके से सामने आ जाएंगी चीजें। देखिए ये जो कैंडिडेट है इनका हो गया, तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ ही साथ जिनका भी हो गया है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ जिनका नहीं हुआ है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इससे अच्छे तरीके से तैयारी करो। और एक और चीज बता देता हूं, इस बार शायद ऐसा भी होगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिलेगा, तो आपके पास डबल चांस है उसको यूटिलाइज करने का, क्योंकि एडमिट कार्ड तो फोर श्योर आने वाली है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ओवरऑल पासिंग मार्क्स 25 थी, टोटल मार्क्स इनके 38 है, मेरिट कट ऑफ जो है महाराष्ट्र की 25 नंबर। अगर आप इतने पे पास नहीं हुए है ना, तो फिर क्या बोल सकता हूं, 1/4 कट ऑफ गई है। मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 25 नंबर पे कट ऑफ बनी है। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्या चीजें हुई हैं। अगर थोड़ी भी तैयारी की होगी आप लोगों ने ना, तो आपने क्लियर कर लिया होगा। अगर आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया आने वाले टाइम में आप कर लेंगे जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो। बट हाँ, उस टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिलहाल मुझे ये बताना था, जैसे ही सारी कट ऑफ आ जाएगी मैं बता दूंगा, लेकिन कट ऑफ का स्तर जो है काफी निम्न लेवल पे है। और मैं एक चीज बोलूंगा कि भले ही कट ऑफ ये गई है, खुशी हो रही होगी कैंडिडेट्स को, लेकिन इंडियन नेवी को सोचना चाहिए कि क्या ये लेवल है इंडियन नेवी का, क्या इस लेवल के कैंडिडेट्स, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट क्या इस लेवल के कैंडिडेट्स जाएंगे इंडियन नेवी में? थोड़ा तो कंपटीशन होना चाहिए ना, थोड़ा तो 35-40 मार्क्स से आनी चाहिए, कम से कम आधा आधा तो करो। फिलहाल अभी मैं क्या ही बोलूं, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि कट ऑफ कम गई है। आप लोग अपने स्टेट की कट ऑफ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फोर श्योर बोल सकता हूं कि ये जो कट ऑफ गई है ये कम गई है हर एक स्टेट की। फिलहाल इतना ही, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी हुआ है, तो ये टेलीग्राम चैनल है जो कि मेन चैनल है मेरा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद ये इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और इंडियन नेवी ग्रुप के साथ साथ ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो कि एयरफोर्स का है, यहाँ पे भी सारी चीजें आपको दिख जाती हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे शायद एक और कैंडिडेट ने भेज दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए भी आप देख सकते हो, ओवरऑल पासिंग मार्क्स 25, और उत्तर प्रदेश के लिए जो डोमिसाइल है उसके लिए भी आप देख सकते हो, 25 ओवरऑल पासिंग मार्क्स और 45 मार्क्स इनके आए हैं। मतलब ओवरऑल शायद इन्होंने दे दिया है कि 25 मार्क्स इनके भी हैं, वो शायद क्लियर कर चुके हैं एग्जामिनेशन। तो आपके स्टेट क्या है या फिर सभी स्टेट्स की 25 है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, यहां पे अगर मैं देखूं तो और लोगों का भी मुझे शो हो सकता है, लेकिन क्या देखता हूं, देखिए जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आप, ओवरऑल सभी का दिखा रहा है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीजें हैं और कैसे कैसे क्या हुआ है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में यही बताना था, मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना।